If all the letters of the word rapid are arranged in all possible manner as they are in a dictionary, then find the rank of the word rapid. ठीक है, देखो ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर में. तो ये जो रैपिड लिखा हुआ है, रैपिड जो वर्ड है, इसी को अगर हम एज ए डिक्शनरी टाइप से अरेंज करेंगे, मतलब एक ऐसा छोटा डिक्शनरी बनाना है जिसमें यही पांच लेटर का ही यूज होके वर्ड बनना है. ठीक है, पांच लेटर वर्ड बनाना है और यही पांच लेटर का यूज करना है. तो उस डिक्शनरी में जितना भी लेटर लिखा रहेगा उसमें आपको बताना है कि रैपिड कितने नंबर पर लिखा रहेगा. रैपिड ऊपर से काउंट करेंगे, 1, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करेंगे, तो रैपिड कितने नंबर पे लिखा रहेगा, इसी का मतलब हो गया रैंक. उसी को बोलते हैं रैंक. ठीक है, तो अब देखो हम रैपिड में जो भी लेटर्स है, इस लेटर का यूज करके फाइव लेटर वर्ड का एक डिक्शनरी बनाते हैं. तो जो डिक्शनरी होगा, डिक्शनरी क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर है, तो ये जो वर्ड में जो भी लेटर है उसका जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वही लेटर से स्टार्टिंग वर्ड पहले होगा डिक्शनरी में. उसके बाद अल्फाबेटिकली जो उसके बाद का लेटर होगा उसके बाद उसका वो सब वर्ड रहेगा. फिर अल्फाबेटिकली जैसे उसके बाद का लेटर रहेगा उससे स्टार्टिंग होने वाला वर्ड रहेगा, है ना. जैसे मान लो कि डिक्शनरी अगर बनाते हैं, तो डिक्शनरी अगर ऐसा है तो सबसे पहला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, पहले हम यहाँ जो लेटर लिखा हुआ उस लेटर को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, ए होगा, आई होगा, फिर पी होगा, अच्छा डी भी है ना, डी भी है. तो ए के बाद डी होगा, उसके यहाँ लिखता है इसे, तो ए लिख दिए, ए के बाद डी लिख दिए, उसके बाद आई होगा, फिर पी होगा, फिर आर होगा. ठीक है, तो ये इसको अल्फाबेटिकली हम लोग अरेंज कर दिए, फिर ए होगा, डी होगा. जब डिक्शनरी में देखते हैं तो पहले स्टार्ट किससे होता है, ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड मिलता है आपको, मिलते जाता है. उसके बाद डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड मिलते जाता है, फिर आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड मिलते जाता है, फिर पी से स्टार्ट होने वाला वर्ड मिलते जाता है, फिर आर से स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा. ठीक है, ऐसा डिक्शनरी मिलता है. तो आपको बताना है कि रैपिड जो वर्ड है ये कहाँ पे होगा, उसका कितना पोजिशन होगा, उस पोजिशन को ही बोलते हैं हम लोग रैंक. ठीक है, रैंक फाइंड करना है. इतना समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट ना. अब देखो रैंक फाइंड करते हैं. तो रैंक फाइंड करने के लिए आप सोचो कि जब हम लोग को रैपिड चाहिए, रैपिड में जाके रुकना है, तो इसका मतलब इसके पहले क्या क्या खत्म हो गया होगा. जो ए वाला जितना ही वर्ड वो कंप्लीट हो गया होगा. और ये कितना लेटर वर्ड है, फाइव लेटर वर्ड है. जब फाइव लेटर वर्ड है जिसका स्टार्टिंग में हम ए फिल कर देंगे, तो ये मान लो स्टार्टिंग में ए आ गया, कितने तरीके से आ गया, एक तरीका से. बाकी जो चारों पोजिशन है वो चारों पोजिशन में ये चार लेटर किसी भी ऑर्डर में हो सकता है. तो पहला पोजिशन में फिल करेंगे चार तरीके से, कोई भी आ सकता है, फिर थ्री वे से, फिर टू वे से, फिर वन, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24. तो 24 लेटर्स, 24 वेज ऐसा होगा, 24 वेज ऐसा होगा जिसमें स्टार्टिंग होगा ए से. 24 वेज नहीं, वेज ऐसा, वेज मत बोलो, 24 वर्ड्स बोल दो. हाँ, 24 वर्ड ऐसा होगा जिसका स्टार्टिंग में ए ए ए ए आ जाएगा. ठीक है, अब देखो हम लोग को चाहिए तो आर से जहाँ आएगा वहाँ रुकना है. अब ए से जितना भी वर्ड है 24 वर्ड पूरा कंप्लीट हो गया. अब स्टार्ट होने को चला डी से. तो जब हम डी से स्टार्ट करेंगे तो ऐसा कितना वर्ड बनेगा, तो यहाँ पे वन एक तरीका से डी रखेंगे, बाकी यहाँ पे 4, 3, 2, 1, मतलब ये भी हो जाएगा 24 वर्ड्स. तो 24 यहाँ भी बन गया जब डी से स्टार्ट हो रहा है. तब इसी तरीके से अगर हम स्टार्ट करेंगे आई से, ठीक है, क्योंकि ए कंप्लीट हो गया, डी कंप्लीट हो गया, आप पहुंचे हैं आई के पास. जब हम स्टार्टिंग में आई रखेंगे तो आई देखो रखो वन वे, यहाँ 4, 3, 2, 1, ये कितना हो गया 24 वर्ड्स. फिर से 24 वर्ड बना जब आई से स्टार्ट हो रहा है सारा का सारा वर्ड तब. ठीक है, अब देखो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, आई तो कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट करेंगे पी से. जब पी से स्टार्ट करेंगे तो ऐसा कितना वर्ड बनेगा, ये कैलकुलेट कर ही सकते हैं, 4, 3, 2, 1, ये टोटल आ गया 24. ठीक है, पी से स्टार्ट हो गया, अब पहुंचे आर के पास. ठीक है, अब देखो ध्यान से, यही मेन है कि हम लोग जब आर के पास पहुंचेंगे जो आर वाला जितना ही वर्ड उसको कंप्लीट नहीं करना है, उसी में हम लोग को ढूंढना है रैपिड कहाँ पे आएगा. तो जब आर स्टार्टिंग में लिखा जाएगा तो आर के बाद का जो लेटर होगा वो बचा हुआ जो लेटर है उसमें अल्फाबेटिकली जो पहले आता वही लिखाएगा. जब आर हम फिक्स कर दिए तो उसके बाद क्या क्या बचा हुआ है, ए डी आई पी. ठीक है, उसमें से पहले कौन आएगा, पहले आएगा ए.
ठीक है। और हम लोग क्या चाहिए, रैपिड चाहिए जिसमें आर ए होना चाहिए। इसका मतलब आर ए वाला सारा वर्ड खत्म नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। अब देखो आर के बाद ए आ गया, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आर हो गया, ए हो गया, तो इसके बाद अल्फाबेटिकली आना चाहिए डी आना चाहिए, ठीक है। और हम लोग चाहिए क्या, रैपिड, रैपिड में आर के बाद ए, ए के बाद पी आना चाहिए। मतलब आर के बाद ए, ए के बाद डी, और जितना भी वर्ड होगा वो कंप्लीट हो गया होगा। अब देखो आर के बाद ए, ए के बाद डी, ऐसा कितना वर्ड बनेगा, ये वन, ये वन, ये वन, बाकी दो लेटर बचा हुआ, यहाँ दो तरीके से, यहाँ वन वेज, तो ये हो गया दो। तो दो वो वर्ड यहाँ पे बनेगा जब आर ए डी होगा, तब आर ए डी कंप्लीट। अब देखो आर ए डी जब कंप्लीट हो गया है तो अब देखना ध्यान से, आर ए यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी के बाद क्या आएगा, जो बचा हुआ लेटर्स है उसमें से क्या क्या बचा, आर ए आर हो गया, ए हो गया, और डी तो लिखा गया, अब आई से स्टार्ट होगा ना, तो आर ए आई यहाँ पे लिखाएगा। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए रैपिड, रैपिड में आर ए पी होना चाहिए। मतलब आर ए आई वाला जितना भी वर्ड होगा वो कंप्लीट हो गया होगा। देखो वन 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 टू वन, तो दो को वर्ड फिर से बना जिसमें आर ए आई है, ठीक है, आर ए आई है। अब देखो आर ए आई तो हो गया ना, अब हम लोग को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, शुरू में आर, फिर ए, उसके बाद पी आएगा, क्योंकि आई के बाद क्या बच गया है, आई के बाद पी बचा है ना, ठीक है, आर ए पी हो गया। अब उसके बाद क्या क्या बचा, उसके बाद बचा आर हो गया, ए हो गया, पी हो गया, तो डी और आई बचा हुआ है ना, तो लास्ट में लिख देंगे। देखो लास्ट में लिखेंगे क्या क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, ये एक, लेकिन ये हम लोग का वर्ड नहीं है, हम लोग का वर्ड क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग का वर्ड है आर ए पी तक तो ठीक है, उसके बाद आई है और डी है, क्योंकि दो को लेटर बचा हुआ डी और आई, तो पहले डी और आई होगा उसके बाद ना आई और डी होगा, तो ये चाहिए हम लोग को, इसका एक हो गया, तो यहाँ पहुँच गए। अब पूरा ऊपर से काउंट कर दो कि रैपिड पहुंचने में कितना पोजीशन, रैपिड जो पहुंचे हैं तो रैपिड का पोजीशन क्या है ऊपर से, ठीक है, सबको काउंट करो। तो 24 24 24 24 96 हो गया, 96 और 2, 98 और 2, 100 100 और 2, तो 100 2 मतलब 100 सेकेंड पोजीशन, इसलिए रैंक जो होगा, रैंक वो हो जाएगा 102, ठीक है। तो ये डिक्शनरी प्रॉब्लम होता है प्रमोटेशन कम्युनिकेशन चैप्टर में, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके।